दुशासन का प्रणाम है। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है देवर जी, कहिए किस कारण आना हुआ? मेरे बड़े भाई युवराज दुर्योधन ने आज बहुत बड़ी सभा जोड़ी है। अच्छा, उस सभा के बीच में आपको बुलाया है, मेरे साथ चलना होगा। मुझे किस लिए बुलवाया? ये बात तो आप अच्छी तरह जानती हो कि आपको किस लिए बुलाया। मैं नहीं जानती दुशासन। आप भूल गई, जब मेरा भाई दुर्योधन तेरे महल के अंदर आया था तो आपने उसको अंधे का अंधा कहा था। तो फिर क्या हुआ? कहा था, कहा था। हाँ। उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ था। अच्छा। हाँ। तेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने तेरे भाई ते अंधे का अंधा कही। हाँ। और आज वो दरबार में मेरे से बदला लेने के लिए मुझे बुलवाना चाहता है। समझदार हो आप। अच्छा। हाँ। तो जाकर कह दे अगर उस दुर्योधन को मुझसे कुछ काम है तो मेरे महलों में आके मुझसे बात करे। ये बात नहीं है द्रौपदी। और कौन सी बात है? क्योंकि जिन योद्धाओं को आपको गुरु घमंडता तेरे पांचों पति पांचों पांडव जुए के खेल में हार गए हैं, स्वयं तो हारे हैं, आपको भी हार गए। गरूर घमंड था नहीं, गरूर घमंड है। अच्छा। और मरते दम तक रहेगा अपने पतियों पे। अभी तेरी बोली तेरे बस में नहीं है द्रौपदी। मेरी बोली तो मेरे बस में ही है। तो मेरी बात सुनने को कहिए जरा। अच्छा। हाँ। मेरी गरारी खत्म कर देगी सारी, तो मैं भी तेरे पिस्टल बैठा दूंगा। अच्छा। सुन ले मेरी बात। तेरे बस की ना कुछ भी दुशासन। अच्छा। हाँ। तो सुन ले। ए द्रौपदी चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। अरे मेरी बात सुन ले। कह दे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी साथियों। हेलो। ये जो टेंट वाला मेरी आवाज सुन रहा हो तो कूलरों के अंदर पानी खत्म हो गया, पानी डालता रहे भाई कूलरों के अंदर टेंट वाला। हमारे भाई रोहतास जी जिन्होंने कई हजार रुपए पहले दिए फिर सर पे साथ सिरवा देते हैं, और हमारे भाई रतन जी, बड़े भाई रतन जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपा मंच पर पहुंचा भाई रतन जी। और आदरणीय फौजी साहब 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं और 500 रुपए का पुरस्कार दिया। मैं आपका नाम भूल गई जी, काकरोला से आदरणीय संतराज जी जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम भी अपने गांव में करवाया था। आदरणीय संतराज जी वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या बताते पहली बार? ले, ये पैसे ले ले और थोड़ा बहुत जूस घी खा लिए, ताकत आ जाएगी टक्कर लेने लायक हो जगह में रहते। ए बाबी द्रौपदी तुझे इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है द्रौपदी। मुझे पता है। क्या पता है? मैं समझ गया। क्या समझ गया? जितनी तू मोटी है तेरी अकल भी मोटी है इतनी। अच्छा, हाँ। तेरे जितनी हूँ ज्यादा मोटी भी ना हूँ। ऐसी नहीं, सुने मेरी बात। शर्म नहीं सीढ़ा कर ले मुंह जल जागा खाया करते गरम नहीं सीढ़ा कर ले मुंह जल जागा।
पंजी गांव नवादा से 2100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं हमारे परम आदरणीय दादा गुलजारी लाल जी, वो भी 2200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। हमारे बाबा बनवारी लाल जी वो भी 21 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए क्या बताते अगली बात के माध्यम से। प्रभु ठेकेदार जी हमारे कृष्ण भाई नाहरपुर से वो भी 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों क्या बता दिया। अपनी खता बताई नहीं मेरे जितनी और किसे में देवर मिला समाई नहीं, मेरे जितनी और किसे में देवर मिला समाई नहीं। ए तुझसे ज्यादा भारे कुल में, तुझसे ज्यादा भारे कुल में और बद जाते लुबाई नहीं। जावन साहब जी गांव बागन की से वो भी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। द्रौपदी हाँ दो शासन आज सभा के बीच में तेरे पांचों योद्धाओं को जुए के खेल से हरा दिया है, तेरे को जीत लिया है और सभा के बीच में आज तुझे डांस भी नाच भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा हाँ तेरे कहने से मैं नाच थोड़ा ही दिखाऊंगी। क्यों नहीं दिखाएगी? अरे तू कल को कुछ और कहने लगा तो मैं करूंगी थोड़ा ही। क्यों नहीं करेगी? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अब तक थी लेकिन अब हमारी मर्जी चलेगी द्रौपदी। अच्छा हाँ तेरी मर्जी चलेगी? हाँ जा तो चला ले तू अपनी मर्जी। तो सुन ले मेरी बात। नचावेंगे नंगा नाच बाद में दिखाना। रणवीर प्रधान जी 500 रुपए पहले दिए हाँ। और 500 रुपए फिर दे रहे हैं। अच्छा। और ये कह रहे दुशासन ले 500 रुपए हाँ। अपने भाई दुर्योधन की आंखों की ड्रॉप लिया ना अच्छी सी। तेरे लिए काजल लेकर क्या हूँ? मेरे पास काजल है तो सुन ले मेरी। अपने भाई के लगा दे काजल, बढ़िया ड्रेस, तवे पे धर दी उसकी आंख सिक जाएगी, सिकाई हो जाएगी। अभी रुक जा थोड़ी सी, रुक जा। हाँ रुक जा मेरी बात। कौन नचाने वाला है जब खुद भगवान बचावेंगे? कौन नचाने वाला है जब खुद भगवान बचावेंगे? ए आज सभा में नंगी करके, आज सभा में नंगी करके ये कैरो खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जन क्या क्या खेल खिलावे से।
मुल जी में पे बता हाँ। तेरे जैसे मुल जी पानी तेरे जैसे मुल जी पे बता कैसे दया जल्ला दे करे कौन दया करने वाला इज्जत और सबकी मदद करे सभा में जाने लायक ना मेरी कोई जकर बात करे कि इंसान जब मीठी वाणी से बहुत दूर के इंसान को अपना बना लेता है अच्छा और इसी कड़वी वाणी से बहुत पास कराने वाला इंसान बहुत दूर का बन जाता है तो मैंने तेरे से कड़वी बोली क्या बोली अरे बोली की तो बोली मारी है तेरे तूने कहा तूने कहा था अंधे का अंधा वो बोली की गोली नहीं तो और क्या है जब कोई इंसान दिन में ही मुंधे मुंह गिरेगा तो उसे अंधा ही कहा जाएगा अच्छा यार समय बर्बाद मत कर अपने भाई के चश्मे चढ़वा जाके अच्छा आंखों का टेस्ट करवा अभी कमी क्या है आंखों में अभी करवाता हूँ सारे टेस्ट करवाऊंगा अच्छा और आइए परम आदरणीय जाके राम जेई रनवा रहने वाले पटौदी से वो 100 रुपए सम्मान करते हैं बार बधन करते हैं आइए साथ चौथी बात और या तो प्यार से चला जा हाँ। नहीं तो धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालूंगी दुशासन अच्छा हाँ। मुझे पता है क्या पता है कि तू किस प्रकार से सभा के बीच में जाएगी और धक्के जब मारूंगी ना महल से हाँ। तो टांग भी टूट सकती है तेरी कोई बात नहीं एक तो अंधे का अंधा है ही दूसरा लंगड़ा हो जाएगा ठीक है सुनिए मेरी बात गौर से सब कहन में प्यारे देवर कत्ते भी दिल डाट्या हना सब कहन में प्यारे देवर मन्ने कत्ते भी दिल डाट्या हना ये हमने करो कौन कहरी हमने करो कौन कहर जब तने थुक के चट्याना ईश्वर की